हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता। आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। तो आज फिर रेसिपी लेकर आप सभी लोग के लिए आ गए हैं। तो चलिए माँ की रसोई घर में बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का दाल। तो हम आज लौकी का फ्राई दाल बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे रहर दाल लिए हैं, ये 200 ग्राम रहर दाल है। इसे अच्छे से दो तीन पानी धोकर ले लिए हैं। तो इसे हम कुकर में डाल लेंगे। यहाँ पे हम लौकी का दाल बनाने के लिए 600 ग्राम लौकी लिए हैं। आप कम ज़्यादा लौकी ले सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से छीलकर धोकर और इस तरह बारीक काटकर ले लिए हैं। तो इसे भी हम कुकर में डाल देंगे। लौकी डाल दिए हम कुकर में। तो यहीं पे हम हल्दी ले लेंगे, एक चम्मच हल्दी ले लेंगे और स्वाद के अनुसार हम नमक डाल लेंगे। तो यहीं पे हम इस गिलास से एक गिलास पानी डालेंगे दाल को पकने के लिए। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि लौकी भी पानी छोड़ता है। तो अब हम पानी डालकर दाल को पकने के लिए कुकर में ढक्कन लगा देंगे। तो गैस जलाकर हम कुकर को गैस पर रख देंगे। अभी हम गैस के फ्लेम को फुल रखे हुए हैं। जब कुकर सीटी देने लगेगा तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसे अब 4 सीटी हम लगाएंगे। तो देखिए लौकी और दाल को अच्छे से कुकर में पका कर ले लिए हैं। तो इसे दाल मथना से थोड़ा सा मथ देंगे। तो देखिए हम दाल को मथ लिए हैं और इसमें हम अब गर्म पानी थोड़ा करके और दाल में डालेंगे। कभी भी दाल में पानी डालिएगा तो गरम करके ही डालिएगा, इससे दाल का स्वाद बना रहता है। तो जितना गाढ़ा आप खाइएगा उसी के हिसाब से आप पानी डाल लीजिएगा। तो देखिए हम इतना गाढ़ा दाल रखेंगे। इस दाल को अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए गैस जलाकर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे। गर्म हो गया तो हम दाल फ्राई करने के लिए सरसों तेल ले लिए। आप जो तेल खाइएगा उसमें बना सकते हैं। तो इसमें हम आधा चम्मच जीरा गोटा डाल देंगे। अब जीरा तड़क गया तो इसमें हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन के बाद हम सूखा गोटा मिर्च लिए हैं, इसे दो दो टुकड़ा। तो देखिए तड़के को हम अच्छे से चम्मच से चला लेंगे। थोड़े से तड़के सुनहरे हो गए हैं तो इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो प्याज को डाल के अच्छे से इसे भून लेंगे। तो एक मीडियम साइज के टमाटर को भी प्याज में डालकर इस तरह भून लेंगे। प्याज भी हम एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर लिए हैं। तो देखिए प्याज टमाटर अच्छे से भून गए हैं। तो इसमें हम धनिया के पत्तियाँ थोड़े डाल देंगे। धनिया के पत्ते से दाल में अच्छा स्वाद आएगा। तो अच्छे से भून गए तो इसमें अब हम दाल डाल लेंगे। तो देखिए लौकी का दाल अच्छे से फ्राई हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खाइए। और इसे ज़्यादा आपको फ्राई करके पकाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जब दाल बनाए तो उसमें गर्म पानी ही डाले हैं। एक उबाल आ जाएगा तो दाल को हम उतार लेंगे। तो देखिए दाल में उबाल आ गया। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो देखिए फ्राई लौकी का दाल बनकर तैयार हो गया। ये दाल बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। आप इसे चावल, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खाइए और अपने घर वालों को भी बनाकर खिलाइए। और कमेंट कर बताइएगा कि मेरा लौकी के दाल का रेसिपी आप सभी को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।